हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि A1, A2, A3 इस तरह से आपको AN तक है, फॉर्म एन AP, ये एक AP फॉर्म करना है, ये आपको प्रूफ करना है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, यहाँ पर आपको AN दिया हुआ है। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन को पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर सेकेंड वन में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर AN इक्वल टू A+4N है। AN मतलब आप जानते हैं ना, लास्ट टर्म को हम लोग AN बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि सिंस वी हैव AN इक्वल टू 3+4N, अगर हम लोग N की जगह पर क्या ले लें, इफ़ N इक्वल टू 1, तो यहाँ लिख लिया मैंने कि इफ़ N अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, A1 इक्वल टू 3+4 × 1, दैट इज़ कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 1 = 4 + 3 = 7। ठीक है, अब ले लेते हैं इसी तरह से इफ़ N इक्वल टू, आप 2 ले लीजिए, है ना, A1 A2 A3 A4 यहाँ तक हम लोग कम से कम 4 टर्म्स तक ले लेंगे, और अगर इसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये एपी में है, यानी एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से आप A2 निकाल लीजिए, तो A2 क्या होगा बताइए, 3+4, एन के प्लेस में हमेशा एक बार पहले 1 पुट किया हमने, अब क्या पुट करेंगे, 2, कितना हो गया, 4 × 8 = 8, 9, 10, 11, है ना। जैसा कि आप जानते हैं बॉर्मा रूल हम लोग यहाँ फॉलो होगा, तो पहले इंटू होगा फिर प्लस होगा, ये आपको पता होगा। इसी तरह से एन ले लिया हमने 3, अगर एन हमने 3 लिया तो यहाँ से A3 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3+4 × 3, तो 4 × 3 = 12, 12 × 13 = 14, 15, ये हो गया ना। और लास्ट वन हम लोग ले लेते हैं कि इफ़ एन इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप A4 निकाल सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे सिमिलरली इस तरह से इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो 4 × 4 = 16, 17, 18, 19, 16 हो गया ना, 17, 18, 19 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस यानी गैप सेम है, अगर गैप सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हाँ ये भी में है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, दैट इज़ A2 - A1 निकाल लेते हैं। A2 - A1 कितना होगा देखिए, A2 कितना आपके पास हो गया ना 4, उसी तरह से A3 - A2 निकालेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, आपको पता है हर बार प्रीवियस टर्म से हम लोग माइनस कर लेते हैं इस तरह से, तो क्या होगा देखिए, 15 - 11 किया मैंने यहाँ पर, कितना हो गया अगेन 4। अब आप कर लीजिए A4 - A3, यहाँ भी क्या करेंगे, A4 - A3 मतलब कितना हो गया बताइए, 19 - 15, है ना, 19 - 15, दैट इज़ यहाँ भी आपके पास 4 है। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम यानी कांस्टेंट, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस वी कैन से कि दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये एपी में है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना था कि क्या ये एपी में है, तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी था, एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो यहाँ क्या बोला, अल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन 15 टर्म्स ऑफ द ईच टर्म। तो SN का फॉर्मूला क्या जानते हैं वो अप्लाई कर दीजिए, बस बन गया। देखिए SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, SN इक्वल टू n/2 2a + n - 1 d, ये आप जानते हैं। यहाँ पर हम लोग n के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, 15, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख लिया S15, तो यहाँ हो जाएगा कितना बताइए, 15/2, उसी तरह से 2 × a, एक a मीन्स A1, तो यहाँ पर a कितना हमारे पास, A1 कितना बताइए, 7, तो यहाँ पुट कर लिया मैंने 7, यहाँ हो जाएगा उसी तरह से 15 - 1, और d हमारे पास कितना बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, तो यहाँ 4 पुट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं देखिए, SN इक्वल टू या फिर S15 इक्वल टू आप लिख लीजिए यहाँ पर, S15 इक्वल टू, तो 15/2, ये हो गया ना 15/2, 7 × 2 = 14, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा, 14 यहाँ भी हो गया, 14 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, यहाँ हो गया 14, और 14 × 4 = 56, ठीक है, 14 × 6 = 56, उसी तरह से आप यहाँ पर करिए 15/2, इसको ऐड कर लीजिए, 6 × 4 = 10, 1 × 5 = 6 × 1 = 7, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो गया 35 बार में, मल्टीप्लाई भी काफ़ी आसान है, देखिए 15 × 5 = 75 हाथ में कैरी बचा 7, है ना, 15 × 3 = 45, 45 में आप 7 ऐड कर लो, कितना हो गया 52, तो 525 इज़ द आंसर। एक बार फिर से देखिए हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले AN इक्वल टू यानी लास्ट टर्म इक्वल टू 3+4N आपको गिवन था, तो 3+4N गिवन था, यहाँ से हमने A1 ले लिया पहले, फिर A2 A3 A4 उस तरह से, फिर हमने इसमें बीच में पहले ये देखने की कोशिश की कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये एपी में है, और अगर एपी में है तो फिर आपको बोला गया सम 15 टर्म्स का आपको क्या निकालना, सम निकालना, तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, तो क्या करेंगे SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n - 1 d, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, AN इक्वल टू
9 माइनस 5n, यहाँ है ना क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ भी इसको करने से पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ भी सिमिलरली हम उसी तरह से करेंगे ना, an इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 9 माइनस 5n। तो यहाँ भी इफ, यहाँ लिख लीजिए इस तरह से इफ, जैसा हमने प्रीवियस वन में किया, n इक्वल टू यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं। तो ए 1 क्या हो जाएगा बताइए, 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास, 4। यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से आप, आपको और कुछ नहीं करना, 4 टर्म्स तक आप लीजिए, एन इक्वल टू 2 ले लीजिए। जैसे हम एन 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2 निकालिए, 9 माइनस 5 इंटू 2 है ना, 9 और 5 2 से कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 1। उसी तरह से फिर हमने ले लिया एन इक्वल टू कितना, 3। एन 3 लेंगे तो ए 3 कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 5 3 जा 15, इसको माइनस करिए कितना हो जाएगा माइनस 6 आएगा ना। और लास्ट वन में क्या निकाल लेंगे बताइए, एफ एन, फिर हमने ले लिया एफ एन इक्वल टू कितना 4, तो हमारे पास ए 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 9 माइनस 5 इंटू 4 है ना, 5 इंटू 4, तो 9 माइनस 20 दैट इज़ कितना हो गया माइनस 11, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या कहा था कि हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ गैप, वो आपका सेम होना चाहिए यानी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर वो है तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये एपी में है, और आपको प्रूफ भी करना है कि सो दैट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन तक फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए टू माइनस ए वन जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल देंगे, या फिर आप डी भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन करिए, ए टू माइनस ए वन कितना है बताइए, माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ हो गया माइनस 5। सिमिलरली हम लोग यहाँ कर लेंगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना आपके पास माइनस 6 माइनस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस ऑलरेडी एक है, और यहाँ पर फिर से माइनस 1 हम लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ मैंने लिख लिया माइनस 1। देखिए माइनस 6 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 6 प्लस 1 अगेन माइनस 5। सिमिलरली अब क्या करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री, यहाँ आप चेक करिए ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना है हमारे पास माइनस 11 माइनस, और ए फोर माइनस ए थ्री ये कितना हो गया माइनस 6। इसको भी आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा माइनस 5 ही आएगा। तो यहाँ भी हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट है यानी सेम है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ भी बोलिए, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम है ना, सो या हैंस इट इज है ना, दिस इज एन ए पी। अब अगर ए पी में है, यानी आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये ए पी में है, अब आपको क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, बताइए क्या था फॉर्मूला, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। अब एस आपको क्या निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ अप्लाई करिए, देखिए 15 बाई टू है ना, यहाँ हो गया 2, ए का वैल्यू कितना था, ए हमारे पास 4, तो यहाँ मैंने लिख लिया 4, यहाँ हो जाएगा कितना 15 माइनस 1, और डी कितना था आपके पास बताइए, डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है ना माइनस 5, क्योंकि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ कर लीजिए 15 बाई टू, 4 टू ज़ा हो गया ये आपका 8 है ना, 15 माइनस 1 14 इंटू माइनस 5, इसको फिर सॉल्व करिए, 15 बाई टू ये हो जाएगा आपका 8 है ना, 14 5 जा है ना कितना हो जाएगा 70, चलो बचे 70, इसको माइनस करिए नेगेटिव आ जाएगा ना, तो 15 बाई टू इंटू ये नेगेटिव में आएगा माइनस 62। अब इसको आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना बार में 31 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 15 को हम लोग क्या करेंगे माइनस 31 से मल्टीप्लाई करिए है ना, तो 15 वन जा 15 का 5 हाथ में कैरी बचा 1, 15 3 जा 45 और 1 46 और क्या था माइनस, तो माइनस 465 इज़ द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी हमने सबसे पहले क्या किया, ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर तक निकाला, उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया यानी कि ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सो वी कैन से कि हाँ ये ए पी है, ए पी में है, और जैसे ही अगर एपी में है तो आपको क्या बोला गया, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना था, तो एसएन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको दिया हुआ है, यानी ये आपके लिए क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर क्या है, एसएन, ये ध्यान समझिएगा, ये एन नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सम ऑफ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हमने कि एस एन इक्वल टू क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ सम दिया हुआ, ये ध्यान दीजिएगा ये सम है, लास्ट टर्म दैट इज n नहीं है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा यानी s1 क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे s1। अब ध्यान दीजिए अगर आपके पास, अगर ap में, जैसे मान लीजिए ap में हमारे पास अगर एक ही टर्म्स हो, मान लीजिए एक टर्म क्या है 5, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5 है,
और इसको अगर सम करेंगे तो भी क्या निकलेगा 5, यानी जो a1 होगा वही आपके लिए क्या होगा s1। ये आपको क्लियर हुआ कि जो आपके लिए a1 है वही आपके लिए क्या है s1। इस चीज़ को ध्यान समझिए। तो यहाँ पे अगर हमने s1 निकाल लिया, देखिए s1 अगर इफ क्या लिया हमने, इफ n इक्वल टू 1 लिया, अगर n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं और s1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 1 − 1² तो 4 × 1 = 4, 4 − 1 दैट इज कितना हो गया 3। तो ये आपका s1 निकल गया। बट मैंने अभी क्या कहा आपसे कि जो a1 होगा वही हमारे लिए क्या होगा s1 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे फिर पूछा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म दैट इज s1। तो यहाँ फर्स्ट टर्म दैट इज s1 ये तो हमें पता चल गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पर आप अपने से यहाँ लिख लीजिए कि दैट इज वी नो दैट कि जो a1 है वही आपके लिए s1 है एंड बोथ आर इक्वल टू 3। जो a1 है वही आपके लिए s1 है एंड बोथ आर इक्वल टू 3, ये आपने समझा। अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है s2। तो यहाँ पर हमने इफ n इक्वल टू कितना ले लिया 2, कितना लिया इफ n इक्वल टू 2। अगर हम n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो यहाँ से s2 निकालिए, क्या हो जाएगा s2 का फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई करेंगे ना, देखिए 4 × 2 − 2² क्लियर है। n के प्लेस में हमने 2 लिखा, 4 × 2, 4 × 2 = 8 और −2² 4, कितना हो गया ये हमारे लिए 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए जो s2 है, अगर मान लीजिए अब इसी को देखिए, अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख लिया क्या 10, तो जो s2 क्या होगा इस दोनों को ऐड कर लेंगे ना, 10 + 5 = 15 क्या है आपके लिए s2 है। तो s2 कैसे आता है a1 + a2 को ऐड करके, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखिए अगर हम यहाँ आपसे पूछे कि s2 क्या है तो आप क्या बोलेंगे 15 है। तो ये 15 कहाँ से आया a1 + a2 को ऐड करके, यानी a1 + a2 = 15 हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया s2 के प्लेस में कि a1 + a2 = क्या हो गया हमारे पास a1 + a2 = 4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब a1 का वैल्यू हमारे पास क्या था, देखिए a1 कितना था 3, तो यहाँ मैंने पुट कर लिया 3 + a2 = 4 और यहाँ से आप a2 इजीली निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए मैंने निकाल लिया a2, तो a2 कितना हो जाएगा 4 − 3, तो दैट इज a2 = 1, ये हो गया, पता चल गया आपको। तो यहाँ से अब आप क्या निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस d = क्या पढ़ा आपने a2 − a1, ये आप जानते हैं कि d निकालने के लिए a2 − a1, a2 कितना हमारे पास 1, a1 कितना हमारे पास, देखिए a1 कितना था हमारे पास 3, तो क्या हो गया −2, यानी आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है कि कॉमन डिफरेंस कितना −2। फिर क्या निकालना है आपको, देखिए व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म तो हमने निकाल लिया था दिस वन, ये हो गया था सेकंड टर्म का आंसर ना। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, अब हमें क्या निकालना थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं बताइए, a3 आपने पढ़ा है ना, an = क्या पढ़ा हमने a + n − 1d, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे a + 3 − 1d होगा। अब हम लोग a के प्लेस में क्या लिख लेंगे, a कितना हमारा, देखिए a कितना है, a दैट इज a1 कितना है 3, 3 − 1 कितना हो गया 2 और d कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना −2, तो ये क्या हो जाएगा 3 − 4 हो गया ना −1, ये कैंसर हो गया आपका, यानी हमें थर्ड टर्म भी पता चल गया। अब हमें निकालना है टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, देखिए टेंथ टर्म का हमें फॉर्मूला क्या पता है a10 का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर a3 में अप्लाई किया। तो टेंथ टर्म के लिए हम लोग लिखते हैं a10 = a + बताइए 10 − 1d। अब a कितना हमारे पास, देखिए a कितना है, a1 कितना था हमारे पास, देखिए यहाँ पर a1 कितना था 3, ये लिख लिया मैंने 10 − 1 = 9 और d कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास −2, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 9 × 2 = 18 माइनस करिए कितना हो गया −15, यहाँ तक भी क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, फाइंड द nth टर्म, क्या निकालना है nth टर्म, बट हमें n नहीं पता तो n के टर्म में आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो an = आप क्या जानते हैं बताइए a + n − 1d, a कितना अगेन हमारे पास, a कितना बताइए, देखिए कितना है यहाँ मैंने लिख लिया 3, n कितना हमारे पास, n आपको नहीं पता है तो आप n के प्लेस में n ही लिखेंगे, d कितना आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए −2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा −2 आप सिर्फ ऐसे −2 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका ये ब्रैकेट छूट गया तो आपको मार्क्स कट सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आप डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो −2n − − +3 + 2 हो गया ना 5, 5 − 2n और दिस वन इज द आंसर।